हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो फाइनली आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। तो आपके सामने एक इसुजू की डी मैक्स लेके आया हूं, जो कि 2023 का मॉडल है, यानी 2023 का मॉडल है। तो इसका कंप्लेंट क्या है, इसका जो इंजन में जो कूलेंट डालते हैं ना अपन, तो वो कूलेंट अंदर आ रहा है। ये देख पा रहे हैं, पूरा मेट गीला हो गया है। पूरा जो भी जितना भी कूलेंट इंजन में डाला जा रहा है, सब वापस से इधर हीटर कॉइल के जरिए अंदर आ जाता है। तो इस वजह से मैं इसका हीटर कॉइल यानी हीटर कोर रिप्लेस करने वाला हूँ। और इससे पहले मैं 2019 का और 2022 का यानी 19 और 22 का डैशबोर्ड खोल चुका हूं, जो कि उसमें एसी का प्रॉब्लम था। तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां जाकर के देख सकते हैं। और ये जो है 2023 का मॉडल है, तो इसका मैं डैशबोर्ड मेरे को खोलना ही पड़ेगा। डैशबोर्ड खोलने के बाद ही ये चीज़ें रिप्लेस होगा। तो किस तरीके से खोला जाएगा इसका डैशबोर्ड, पिछले वीडियो में तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन 2023 का किस तरीके से खोला जाएगा वो चीज़ें इस वीडियो में मैं मेंशन करूँगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाड़ी चालू है या नहीं है वो चीज़ें दिखा देता हूँ। देख पा रहे हैं गाड़ी चालू है, इग्निशन ऑन किया हूँ अभी मैं और गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। तो गाड़ी चालू हो चुकी, फुल कंडीशन में गाड़ी, एसी वगैरह सब प्रॉपर काम कर रहा है। लेकिन बट अपने को हीटर का मसला सॉल्व करना है। हीटिंग टेम्परेचर भी आएगा जब आप इंजन में कूलेंट वगैरह डालेंगे, तो हीटिंग टेम्परेचर वगैरह भी बराबर काम करेगा। लेकिन बट ये लीकेज होकर के पूरा ड्रेन हो जाता है, तो इस वजह से मेरे को इसका जो है तलाजा यानी हीटर कोर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। गाड़ी करता हूँ बंद, बैटरी वायर रिमूव करता हूँ और फाइनली स्टेयरिंग की तरफ से खोलना स्टार्ट करता हूँ। तो फाइनली बैटरी वायर निकल चुकी, तो सबसे पहले एयरबैग निकाल देता हूँ, स्टेयरिंग की तरफ से खोलना स्टार्ट करता हूँ। तो एयरबैग निकालना है सबसे पहले अपने को, तो इसमें डालना है, ये रही होल इसका, यहाँ पे इसको स्क्रूड्राइवर ऐसे डाल के ये खुल गया इस साइड का, बिल्कुल इजी स्टेप है। सेम इस साइड डालना है, इसके बाद ये इसको दबाना है, तो एक हाथ से जम नहीं रहे। तो फाइनली ये निकल चुका, तो इसको निकाल लेता हूँ मैं, सॉकेट लगी है, एयरबैग की सॉकेट निकालता हूँ। ये रही एक हॉर्न का, एक एयरबैग वाला। तो फाइनली ये निकल चुका, पीछे होल्ड कर दिया हूँ। अब ये नट खोलना है, तो ये नट खोलता हूँ। तो फाइनली ये नट खुल चुका, अब ये इसको ठोक के यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग कर दें ताकि अपने को बैठाने टाइम टेंशन ना हो। तो फाइनली देख पा रहे हैं किस तरीके से मार्क किया हूँ मैं, ये आमने सामने इसके ऊपर से लेकर के मार्किंग कर दिया हूँ ताकि बैठाने टाइम ईजिली बैठ जाए। तो चलो अब इसको निकालते हैं। फाइनली निकल चुका, अब ये क्लॉक रिंग को यही पोजीशन में, स्टीयरिंग सीधी है अपनी, यही पोजीशन में निकालना है, लॉक करना है इसको। तो ये इसके स्क्रू रहेंगे, स्क्रू तो दिख नहीं रहे हैं, ऊपर का खोल रहा हूँ। ये अंदर स्क्रू दिया है, तो स्क्रू खोलता हूँ। ये नीचे वाला पहले निकलेगा एक स्क्रू, ये रही स्क्रू, ये स्क्रू खोल के इसको निकालता हूँ मैं। तो ये फाइनली स्क्रू खोलने के बाद नीचे साइड खींचेंगे, ये निकल गया, यहाँ पे एक स्क्रू रहता है, तो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब ऊपर वाला खोलने के लिए दो स्क्रू दिया है, तो दोनों स्क्रू खोलता हूँ। तो फाइनली ये दोनों स्क्रू खुल गया, अब ये बाहर आ जाएगा, तो इसको पीछे होल्ड कर दिया। अब ये रही क्लॉक रिंग, क्लॉक रिंग के लिए एक सॉकेट ये, उसके बाद एक ये, तो ये जम नहीं रहा, मैं इसको खोल रहा हूँ, खोल के इसको बाहर निकाल रहा हूँ। तो फाइनली ये सॉकेट भी खुल गया, अब इसमें लॉक दिया हुआ रहेगा,
ये, एक ये दो और एक ये तीन, एक चार। लॉक खोलने के बाद इजीली बाहर आ जाएगा। आई थिंक पीछे एक सॉकेट है, तो अभी अपना निकल गया। इसको इसी पोजीशन में, सीधे पोजीशन में लॉक कर दें, तो इसको लॉक कर देता हूँ, उसके बाद ये खोलता हूँ मैं। तो फाइनली यहाँ का स्क्रू खोल दिया हूँ, और एक सॉकेट इधर, एक सॉकेट इधर, दोनों। और उसके बाद इसमें लॉक दिया हुआ है, देख पा रहे हैं ये वाला लॉक, दो लॉक दिया हुआ रहता है, निकाल दिया हूँ, अब ये निकल गया। यहाँ पे एक चीज़ देख लेना कि ये तो निकल नहीं रहा है ना, नहीं निकल रहा है, क्योंकि कभी कभी अगर निकल जाएगा, नीचे गिर जाएगा, फिटिंग करने टाइम ध्यान रहता नहीं है। तो चलो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब उसके बाद मीटर खोल देते हैं, सॉरी मीटर बोल रहा हूँ, मीटर का कवर। तो इसको धीरे खींच लेना है, इसमें एक सॉकेट दिया है, थिंक ट्रैक्शन का, हाँ ट्रैक्शन का सॉकेट है। उसके बाद मीटर में एक स्क्रू, ये एक, ये एक, ये तीनों स्क्रू खोलता हूँ, तो अपना मीटर फाइनली निकल जाएगा। इसको थोड़ा सा स्टीयरिंग नीचे ऊपर तो होगा नहीं, ये स्टीयरिंग फिक्स है, तो मीटर निकालते हैं। तो फाइनली मीटर निकल रहा है, थोड़ा दिक्कत देगा, निकल चुका, बस एक सॉकेट है यहाँ पे, निकल चुका ये सॉकेट भी। उसके बाद नीचे से खोलने के लिए ये बोनेट में दो दो स्क्रू दिया रहेगा, एक बोनेट के केबल में और एक फ्यूल कवर के ऊपर में, फ्यूल केबल में। तो ये दोनों खोलता हूँ, चार स्क्रू रहेगा। तो फाइनली ये दोनों चारों स्क्रू खोल चुका हूँ, अब ये इसको खींचेंगे, ये निकल जाएगा। तो फाइनली ये निकल चुका, अब ये केबल, बोनेट की केबल को इसको अंदर डाल के निकाल लेना है बाहर। तो ये सब सॉकेट वगैरह सब निकाल के इसको बाहर लेता हूँ। तो फाइनली सब निकल चुका है इसका, इसे होल्ड कर देता हूँ। अब अपने को ये साइड का पैनल खोलना है, इसका स्क्रू तो खोल लिया हूँ पहले, अभी अपना इजीली निकल चुका। अब उसके बाद डैशबोर्ड का इधर आ जाते हैं, ये टेप खोल देते हैं अपन, सॉरी कंट्रोल पैनल, टेप वगैरह सब निकालता हूँ। तो स्क्रू ड्रॉवर ले लेते हैं माइनस, इसको इस तरीके से निकाल देना है, तो देख पा रहे इजी स्टेप में ये बाहर आ चुका। अब ये वाला केबल जो है ना, इसको बाहर नहीं निकालने का, इसको इधर ही रखने का, स्क्रू दिया है इसमें कंट्रोल पैनल में, ये बटन सिस्टम को अलग कर लेंगे। तो एक दो, टोटल चार स्क्रू रहेगा, दो इधर रहेगा, तो ये सब खोल के मैं कंट्रोल पैनल अलग कर देता हूँ। तो फाइनली चारों स्क्रू खोल के इसको अलग कर चुका हूँ, अब इसको अंदर ढकेल देंगे, अंदर रहेगा ये, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना डैशबोर्ड निकल जाएगा। तो उससे पहले ये वाला चीज़ें खोल देता हूँ, फोर व्हील का जो दिया है, टू व्हील फोर व्हील का स्विच इसके साथ रहेगा, एक क्लिप दिया है यहाँ से, तो एक साइड एक इधर भी क्लिप रहेगा। दोनों क्लिप खोल के इसको बाहर निकालता हूँ मैं, तो दोनों साइड से इसका दोनों क्लिप निकाल दिया हूँ, अब इसको आगे साइड खींचना है। तो ये फाइनली निकल चुका, अब इसमें दो सॉकेट रहेंगी, देख पा रहे एक ये और एक ये वाली सॉकेट। तो चलो इसको मैं निकालता हूँ, पीछे होल्ड कर देता हूँ इसको। अब अपना निकालना है टेप, तो टेप को ये वाला ऊपर का कवर खींच लेना है, उसके बाद फोर इंडिकेटर की सॉकेट, तो इसको निकालता हूँ। फाइनली ये भी निकल चुका, अब अपने को सामने टेप निकालेंगे, तो ये दो स्क्रू, तो ये स्क्रू तो जल्दी खुलेगा नहीं टेप का, तो इसके लिए मेरे को ये वाला चीज़ें निकालना पड़ेगा, ये वेंट निकालना पड़ेगा,
वेंट निकालने के लिए मेरे को माइनस स्क्रू ड्राइवर का सहारा लेकर के इसको आगे साइड खींचना है। तो एक स्क्रू यहाँ दिया है, एक स्क्रू यहाँ दिया है, दोनों वेंट में। तो खोलता हूँ दोनों स्क्रू। तो अपना स्क्रू खुल चुका, बिजली ये बाहर आ गया सेम इस साइड का। उसके बाद ये भी निकल चुका अपना, होल्ड कर देता हूँ। अब टेप का स्क्रू हाला इजीली खुल जाएगा, एक दो तीन चार। तो चारों स्क्रू खोलता हूँ मैं। तो चारों स्क्रू खुल चुका, अपना टेप इजीली निकल जाएगा। बस इसमें दो सॉकेट लगी है, तो इसको भी पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब अपना ये स्क्रू खोलना है, एक दो, इसके अंदर देख लेंगे कुछ दिया तो नहीं है। तो ये दोनों स्क्रू खोलता हूँ। तो फाइनली ये दोनों स्क्रू खुल गया, इसको ऊपर खींचना है, ये निकल गया इजीली अपना। उसके बाद ये तो निकालने की ज़रूरत है नहीं अपने को, यहाँ से देख लेना है अपने को कोई कुछ अंदर दिया तो नहीं है ना, बस इसके लिए खोला गया। उसके बाद अंदर तो कुछ दिख नहीं रहा। अब अपने को निकालना है डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड निकालने के लिए इस साइड आते हैं, एक स्क्रू ये रही, यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके बाद इधर देख लेना है, यहाँ पे एक स्क्रू है, फ्यूज बॉक्स को अलग करना है यहाँ का स्क्रू खोल के। तो चलो ये सब खोलता हूँ मैं। तो फाइनली ये खोल के अलग कर चुका हूँ इसको, यहाँ की स्क्रू खोल दिया हूँ। अब इस साइड से डैशबोर्ड अपना हिल रहा है, बट इस साइड नहीं हिल रहा है। इस साइड क्यों नहीं हिल रहा है, यहाँ से तो सब खोल चुका हूँ। इधर क्या लग रहा है, ये तो खोलने की ज़रूरत नहीं है। इधर से तो अपना फाइनल खुल चुका है। अब चलते हैं उधर खोल के देख, खोलता हूँ क्या क्या खोलना पड़ रहा है। चलो उधर चलते हैं। तो इस साइड से पहले आपको ग्लो बॉक्स तो निकाल चुका हूँ मैं। ग्लो बॉक्स निकालना कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, इजीली निकाल सकते हैं आप। उसके बाद इसको ऊपर ले लेना है। ऊपर लेने के बाद ये चीज़ें खोलना है पहले अपने को। ये चीज़ें खोलने के लिए एक स्क्रू ये, उसके बाद एक स्क्रू ये, यहाँ पे एक स्क्रू, टोटल तीन, एक चार। टोटल चार स्क्रू खोलता हूँ मैं पहले, सबसे पहले, और इसको निकालता हूँ बाहर। तो फाइनली चारों स्क्रू खोल चुका हूँ। अब ये इजी स्टेप में अपना बाहर आ गया, देख पा रहे हैं। तो इसको पीछे होल्ड कर दिया। अब अपने को क्या खोलने की ज़रूरत है, अभी देख पा रहे हैं, अभी भी लग रहा है। तो एक स्क्रू जो है ना, इसका यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। इस तरीके का माइनस स्क्रू लेना है और इसको निकाल देना है। ये यहीं पे रखने दें, इसको रहने दें, क्योंकि फिर बाहर निकालेंगे तो ये गुम हो जाता है। तो उसके बाद प्लस वाला है, ये देख पा रहे हैं, तो फाइनली ये निकल चुका। उसके बाद एक स्क्रू यहाँ पे दिया है, ये भी निकल चुका अपना। उसके बाद अपना डैशबोर्ड हिलने लगेगा, हिलने नहीं लगेगा अभी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एयरबैग दिया है, SRS एयरबैग। यहाँ पे एयरबैग का बोल्ट रहेगा, ये देख पा रहे हैं, 12 नंबर का एक दिया हुआ है और एक इस साइड दिया हुआ है, 2 12 नंबर का है। तो दोनों मैं खोलता हूँ। तो फाइनली नीचे का 12 नंबर खोल चुका हूँ दोनों। वो बोल्ट ज़रा दिखा देता हूँ मैं आपको किधर गया। ये दोनों एयरबैग का बोल्ट रहता है 12 नंबर, ये दोनों खोल चुका हूँ। उसके बाद इधर का बोल्ट तो खोल चुका हूँ, स्क्रू हैंडल का। उसके बाद ये इजीली अपना निकल जाएगा। इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक 10 नंबर रहता है, उस साइड खोल के दिखाया नहीं मैं आपको, तो वो इस साइड से दिखा देता हूँ आपको। माइनस स्क्रू डाल लेने का, बारीक वाला, बिल्कुल बारीक वाला। उसके बाद इसको ऐसे तो देख पा रहे हैं, एक सामने 10 नंबर दिख रहा है, ये 10 नंबर खोल देता हूँ। यहाँ से आप एयरबैग बाहर ले लें, ताकि अंदर कुछ अगर लग रहा होगा तो वो आपको इजीली दिखेगा। तो ये सॉकेट दिया है, इस सॉकेट को ऐसा करने का,
निकल गया, ये भी निकल चुका। यहाँ से इसको एयरबैग को पूरा बाहर ही ले लेने का। उसके बाद यहाँ से देख लेना कुछ लग तो नहीं रहा है, लगने जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। तो चलो डैशबोर्ड अपन निकालते हैं। आई थिंक इसके अंदर कुछ तो दिया है 10 नंबर। तो चलो इसको खोलते हैं, खोल के देखते हैं कुछ है क्या इसके अंदर। तो फाइनली इसको मैं खोला, देख पा रहे एक 10 नंबर दिया हुआ है। तो चलो ये 10 नंबर खोलता हूँ, 10 नंबर खोल के डैशबोर्ड पूरा बाहर आ जाएगा। तो चलो बाहर लेता हूँ मैं इसको। तो फाइनली डैशबोर्ड निकल चुका है। तो अब अपने को अपन जो निकालेंगे इसको ना, एंगल विथ क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट निकालेंगे। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले वायरिंग चेक करना है कि वायरिंग कौन सी डैशबोर्ड के साथ जुड़ी है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं ये वाली वायरिंग गई है, इधर आया है। तो ये सब सॉकेट है अपने को खोलना पड़ेगा। तो जो जो डैशबोर्ड से जुड़ा है वो सब सॉकेट मैं खोलता हूँ, और इस साइड का ये सब सॉकेट खोलना पड़ेगा मेरे को। ये देख पा रहे हैं जो इधर से इतनी सारी वायरिंग आई है। तो चलो ये सब मैं खोलता हूँ, फिर उस साइड जाके दिखाता हूँ कौन सा खोलना पड़ेगा। ये सब भी खोलना पड़ेगा, एयरबैग वाला खोलना पड़ेगा। तो चलो मैं खोलता हूँ। तो फाइनली अंदर से इस साइड का सब खुल चुका है। क्या क्या खोला हूँ, सबसे पहले स्टेयरिंग को नीचे ले ले रहा हूँ, स्टेयरिंग बॉक्स को नीचे लेने के बाद ये सब वायरिंग, स्टेयरिंग का वायरिंग सब खोल दिया हूँ। ये वाली नीचे वाली जो इग्निशन स्विच वगैरह में लगता है, उसके बाद फीड बॉक्स के तरफ का जो वायरिंग है ये सब निकाल दिया हूँ। देख पा रहे हैं कुछ सॉकेट, 2 सॉकेट अंदर था इधर, और बाकी फीड बॉक्स में से निकाला हूँ। उसके बाद दोनों 12 नंबर का बोल्ट, स्टेयरिंग का बार पीछे 2 12 नंबर रहता है वो बोल्ट, आगे 2 बोल्ट, और एक यहाँ पे रहता है ये वाली बोल्ट। उसके बाद एक क्लाइमेट यानी इवापोरेटर सेंसर, उसके बाद एक यहाँ पे 10 नंबर ये वाली अर्थिंग का, ये एयरबैग मॉड्यूल की सॉकेट, ये एयरबैग का सॉकेट। उसके बाद ये तो बाद में आएगा, ये दोनों अर्थिंग ये सब निकाल चुका हूँ इधर से। अब उधर जाना है मेरे को, उधर जा कर के ये सब सॉकेट यहाँ का खोलना है। तो चलो उधर चलता हूँ, खोल के दिखाता हूँ। तो फाइनली इस साइड ये वाला सॉकेट खोलना पड़ेगा, यहाँ से दबा करके इसको। पूरा एक ही सॉकेट रहता है ये, खींचो उसको, निकल गया। अब ये दोनों 12 नंबर खोल लो, ये दोनों 12 नंबर खोल देता हूँ, अपना एंगल विथ क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट आ जाएगा। तो चलो अपन निकालते हैं इसको। तो फाइनली इस साइड अपना कंप्यूटर नीचे ले लिया हूँ, 3 10 नंबर का था, ब्लोड वगैरह की सॉकेट निकाल दिया हूँ, सब निकल चुका है। अब ये बाहर आ रहा है, और बाहर से क्या खोला हूँ, बाहर से हीटर का दोनों पाइप और एक्सपेंशन वाल के पास का जॉइंट सब खुल चुका है। अब अपना डैशबोर्ड बाहर आ जाएगा। तो चलो डैशबोर्ड एंगल विथ क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट बाहर लेते हैं, बाहर लेके दिखाता हूँ। तो फाइनली निकल चुका एंगल विथ क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट, देख पा रहे हैं ये रही क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट विथ एंगल के साथ। इसका हीटर वाला पोर्शन खोलना है अपने को सिर्फ, देखते हैं बगैर कुछ खोले। ये साइड तो खोलना ही पड़ेगा अपने को, तो ये ब्लोअर का सेटअप तो खोलना ही पड़ेगा, ब्लोअर का सेटअप खोलने के बाद ही निकलेगा। तो चलो ब्लोअर का सेटअप खोलते हैं, फिर ये हीटर का निकलेगा अपना हीटर कॉइल। तो चलो निकालते हैं अपन। ब्लोअर का सेटअप खोलने के लिए इधर से स्क्रू पीछे साइड से दिया है, 2-3 स्क्रू रहेगा, और ये 10 नंबर रहेगा, ये खोल के निकालता हूँ। तो फाइनली ये ब्लोअर का सेटअप अलग हो गया, उसके बाद हीटर खोलना है। तो ये अलग हो गया स्क्रू था, अब ये बाहर आ जाएगा। उधर स्क्रू खोला नहीं हूँ, पकड़ो इसको उठा गया। इधर का स्क्रू दोनों खोलने के बाद ये हीटर कॉइल अपना निकल जाएगा। तो चलो इसको निकालते हैं दोनों स्क्रू खोल के। तो फाइनली हीटर निकल गया, ये देख पा रहे हैं पानी टपक रहा है इसमें से,
पूरा गीला गीला हो चुका है, यहाँ से लीक हुआ है आई थिंक। और अंदर भी देख लीजिए पूरा गीला हो चुका है, तो इस वजह से ये वाला रिप्लेस करना पड़ेगा। तो चलो इसको नया वाला इसमें डालते हैं। तो फाइनली अपना ये है न्यू हीटर कोर, देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन थाईलैंड। तो कोर हीटर यूनिट इसका नाम जो रहता है, हीटर कोर रहता है नाम। तो निकालते हैं बाहर इसको। ये रही कंपनी सेफ्टी से पैक करके दिया है इसको, ये बहुत नाजुक रहता है। तो चलो इसको खोलते हैं, खोल के बाहर निकालता हूँ। तो ये रही, ये नया वाला है, ये पुराना वाला है। तो देख लीजिए सेम है बिल्कुल। तो चलो इसको फिटिंग करते हैं अपन, ऐसे ही फिटिंग करना रहेगा, बस ऐसे अंदर डालना है इसको। ये पाइप यहाँ आ जाएगा, तो चलो यहाँ का ये सब फिटिंग करता हूँ मैं, फिटिंग करके अब लोड का सेटअप लगाता हूँ। तो फाइनली ये फिट हो चुका, देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से जो जो चीज़ भी खोला गया, सब हीटर वगैरह सब फिट हो गया। तो चलो अब इसको गाड़ी में फिटिंग करता हूँ, फिर गाड़ी में फिटिंग करके फिर दिखाता हूँ आपको। तो चलो गाड़ी में फिटिंग करने लग जाते हैं। तो फाइनली एंगल विद क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट अपना डल चुकी है, देख पा रहे हैं। तो चलो सब असेंबल वगैरह करता हूँ सब मैं, जहाँ से जो जो खोला गया था वो सब फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली पूरा वायरिंग वगैरह सब प्रॉपर तरीके से बैठ चुका है, देख पा रहे हैं एंगल का पूरा सेटअप, हर एक चीज़ बैठ चुका, जो जो चीज़ भी वायरिंग जो जो भी खोला गया था सब बैठ चुका, देख पा रहे हैं। तो चलो अब इसके ऊपर मैं डैशबोर्ड डाल देता हूँ, डैशबोर्ड डाल के फिर आगे दिखाता हूँ। तो फाइनली अपना डैशबोर्ड भी डल चुकी, देख पा रहे हैं। तो चलो इसको सब मैं फिक्स करता हूँ, फिटिंग करता हूँ सब। तो फाइनली अपना इधर से सब फिट हो चुका, देख पा रहे हैं, बस अपना स्टीयरिंग और हीटर वगैरह और नीचे का कवर बैठाना बाकी है। तो चलो ये सब फाइनली फिटिंग करता हूँ मैं। तो फाइनली प्रॉपर तरीके से पूरी गाड़ी फिट हो चुकी है, देख पा रहे हैं, बैटरी वायर वगैरह सब लगा चुका हूँ, गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, गाड़ी चालू हो चुकी। तो अभी हीटिंग कूलिंग टेम्परेचर तो कुछ दिखाऊंगा नहीं, चलो सबसे पहले बाहर चलते हैं। बाहर गाड़ी वगैरह चालू हो चुकी है, सब प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है। तो इसको वैक्यूम में लगा लेते हैं, क्योंकि गैस छोड़ चुका था, वैक्यूम होने देते हैं, वैक्यूम मोड है, वैक्यूम होने देते हैं। तो फाइनली गैस चार्जिंग वगैरह कर दिया हूँ, गैस चार्जिंग दिखाया इसके वजह से नहीं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में गैस चार्जिंग कैसे करते हैं वो चीज़ें बताया हूँ। तो फाइनली इसमें गैस चार्जिंग हो गया, सब कुछ हो गया बाहर से। अब कूलिंग टेम्परेचर वगैरह देख लीजिए, 7.8, 7.6, 7.5, अभी भी ड्रॉप हो रहा है, 7.4, 7.2, 7 पे 7.1। कूलिंग टेम्परेचर तो बराबर पहले भी था, कूलिंग का कोई मसला नहीं था। अब हीटिंग टेम्परेचर मैं दिखा रहा हूँ, हीटर हाई कर रहा हूँ, देख लीजिए हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है। हीटर कॉइल जाम वगैरह तो नहीं हुआ था, लेकिन बट मसला क्या था इसका कि कूलेंट जो है ना मैट पे नीचे आके गिर रहा था, लेकिन वो चीज़ें अभी नहीं हो रहा है। हीटिंग टेम्परेचर भी 41 पे आ चुका, 43, यानी हीटिंग भी प्रॉपर हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, बस यही चीज़ें दिखाया कि ताकि चीज़ें आपको समझ में आए क्या क्या प्रॉब्लम आता है, क्या क्या फॉल्ट होता है। तो गाइज मैं चाहता हूँ ना, जो भी प्रॉब्लम आता है ना वो चीज़ें आप देखो और आप समझे, जो चीज़ें मैं सीख चुका हूँ वो चीज़ें आप लोग भी, अगर जो भी भाई इस ऑटोमोबाइल लाइन में आ चुके हैं वो चीज़ें देखे समझे, बाकी और कुछ नहीं।
तो गाइज आप मेरे चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो फिर जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में यहीं तक, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन।